दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था सिंचैन को बहुत सारे गुंडे ने किडनैप करके इस खुफिया टनल में रख दिया था और यहीं पे सिंचैन पिछले 8 दिनों से किडनैप था। तो सिंचैन बहुत ज्यादा परेशान होता है और यहाँ पर बोलते रहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाना है, लेकिन फिर भी इसे कोई नहीं छोड़ता है और यही बूढ़ा आदमी इसको पकड़ के रखे हुए रहता है। तो ये बहुत ज्यादा सिंचैन को टॉर्चर करता है और सिंचैन को मारता है, लेकिन फिर भी सिंचैन रिक्वेस्ट करते रहता है। फिर अचानक से यहाँ पर कछुआ आ जाते हैं और फिर इस बूढ़े आदमी को मारकर सिंचैन को बचा लेते हैं। फिर सिंचैन यहाँ से अपने घर चले जाता है, वो बूढ़े आदमी का ही कार लेकर के सिंचैन अपने घर चले जाता है। और उसके बाद जब सिंचैन अपने घर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे पुलिस है और यार सिंचैन डर जाता है कि आखिर ये क्या हुआ, मेरे घर पे इतने सारे पुलिस क्यों है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ से फ्रैंकलिन और चोप घर बेच कर चले गए हैं और साथ ही ये भी पता चलता है कि सिंचैन को भी फ्रैंकलिन और चोप ने ही बेचा है 2 करोड़ में। तो बाद में फिर सिंचैन को पता चलता है कि फ्रैंकलिन और चोप कहाँ रहती है। वहां पर आने के बाद यहाँ पर चोप और फ्रैंकलिन भी सिंचैन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, मारते हैं और फिर वो अपने घर से भी निकाल देते हैं। तो यहाँ से भी सिंचैन हार दार करके अपने घर से, देखो गाइस फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा उसको मारता है, तो सिंचैन फिर भी यहाँ से उदास होकर के चला जाता है और वो सोचता है कि चलो यार मैं अपने गाँव में रह लूंगा अपने मम्मी पापा के पास। तो फिर ये गाँव जाने के लिए चला जाता है, लेकिन फिर रास्ते में उसको एक और चीजें दिखती है। जो कछुआराज सिंचैन को बचाया था वही कछुआराज को बहुत सारे गुंडे मार रहे थे किसी जादुई अंडे के लिए। तो कछुआराज ने सिंचैन को बोला है कि जाकर के तुम जादुई अंडे लेकर के आओ और मेरी जान बचाओ। तो वही कछुआराज के लिए जा रहा है सिंचैन अंडे के लिए। अब आगे चलो गाइस यार, अब हम लोग चलते हैं जल्दी से उस गुफा के अंदर और वहाँ से कछुआराज का वो अंडा लाते हैं और उस गुंडे को दे देते हैं। नहीं तो यार वो लोग ना गुंडे लोग कछुआराज को मार देंगे। अभी आपने देखा ना कि मुझे कछुआराज ने कैसे मेरी जिंदगी बचाई है उस किडनैपर से। तो गाइस मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उस किडनैपर से, उस गुंडे से ना कछुआराज की जान बचाऊं। तो चलो यार मैं चलता हूँ गाइस, कितना ज्यादा ट्रैफिक भी है, मुझे फिर से उस गुफा में जाना पड़ेगा जहाँ पर मुझे वो गुंडे किडनैप कर रखे थे। गाइस वो जो गुफा था ना वो कछुआराज का घर था, वहाँ पर गुंडा तो सिर्फ मुझे 1 दिन के लिए ही रखा था। चलो दोस्तों जल्दी से उस गुफा की तरफ चलती हैं और यार उसमें मुझे अंडा भी ढूंढना पड़ेगा कछुआराज का कि अंडा कहाँ है। लेकिन यार दोस्तों आपने देखा ना फ्रैंकलिन भैया मुझे कितना ज्यादा मारे हैं। देख लेना दोस्तों, अगर मुझे मेरे पास बहुत पैसे होंगे ना तो मैं फ्रैंकलिन भैया को कितना मजा चखाऊंगा। मैं तो उनको देख लेना उनका सारा घर खरीद लूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे। वैसे गाइस छोड़ो, जल्दी से मैं उस गुफा की तरफ चलता हूँ और यार मैं गुफा की तरफ चल करके पहले कछुआराज को बचाता हूँ और फिर मैं आगे का बात सोचूंगा। मैं तो दोस्तों वैसे घर जा रहा था अपने, लेकिन यार यहाँ पर कछुआराज को देखा तो मुझे उनकी मदद करनी पड़ी क्योंकि यार वो भी तो मेरी पिछली वीडियो में बहुत मदद करे थे। अगर आप लोगों ने दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। वैसे आप हमारे चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो कछुआराज ने मेरी कैसे उन गुंडों से जान बचाई थी और फिर फ्रैंकलिन भैया मुझे कैसे अपने घर से निकाल दिया था। हाँ दोस्तों एक और बात है, वो फ्रैंकलिन भैया ही तो मुझे उस गुंडे से बेचे थे पूरे के पूरे 1.5 करोड़ में और उसके बाद गाइस वही पैसे से फ्रैंकलिन भैया बहुत ही अमीर बन गए थे। लेकिन छोड़ो दोस्तों ये बातें तो हो गई पुरानी, अभी पहले मुझे कैसे भी करके उन कछुआराज की जिंदगी बचानी है। तो चलो यार मैं जल्दी चलता हूँ गुफा की तरफ, यहाँ से अभी गुफा काफी दूर है दोस्तों, मुझे जल्दी से गुफा की तरफ चलना पड़ेगा और फिर वहाँ से वो अंडे लेकर के जाने हैं। तो चलो मैं चलता हूँ जल्दी से। गाइस यार देखो यार फाइनली अब हम पहुँच ही चुके हैं उस गुफा के आसपास, जल्दी से हम लोग उस गुफा के अंदर चलती हैं और फिर वहाँ से हम कछुआराज का अंडा लेकर के चलती हैं। वैसे दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और हाँ दोस्तों कमेंट में जरूर लिख देना सेव कछुआराज। चलो दोस्तों चलती हैं और गाइस आप अपना भी नाम मुझे लिख करके बताना कि आपका क्या नाम है ताकि मुझे पता चले कि आपका क्या नाम है। चलो यार दोस्तों यहाँ तो मैं आ गया हूँ, लेकिन गाइस ये तो लॉक है यार, लेकिन कोई बात नहीं मैं इसको तोड़ दूंगा, मेरे पास इसके लिए उपाय है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो गाइस ये तो लॉक है, लेकिन रुक जाओ मैं इसको ना इस गुफा को तोड़ता हूँ, मेरे पास एक ग्रेनेड होगी मैं इसको निकाल करके इसको तोड़ता हूँ। ये देखो दोस्तों मेरे पास एक ग्रेनेड है, चलो मैं चलाता हूँ इसको। ये बिगा मैं अब देखते हो भाई साहब ब्लास्ट हो जाइयो और जल्दी से। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, थैंक गॉड। देखो दोस्तों फाइनली एक ग्रेनेड से हमने इसको तोड़ दिया। चलो यार दोस्तों अब चलते हैं जल्दी से अंदर
और वो यार मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो कछुआ राज का अंडा कहाँ पर है। वैसे गाइस ये गुफा काफी खतरनाक है, मैंने आपको कल दिखाया भी था, वो गुंडा जो था मुझे किडनैप करा था। एक्चुअली बोले तो वो किडनैप नहीं करा था दोस्तों, मुझे फ्रैंकलिन भैया ने ही मुझे बेच दिया था 1.5 करोड़ में उन गुंडों के साथ, और वो गुंडा मेरा शरीर बेचने वाला था। लेकिन गाइस वो तो कछुआ राज का शुक्रिया है कि वो मेरी जान बचा लिए। और ये देखो दोस्तों यहाँ पर ना एक बूढ़े व्यक्ति की लाश पड़ी है, पता नहीं दोस्तों ये कौन है, रुक जाओ मैं यहाँ पर ना ग्रेनेड फेंक देता हूँ ताकि इनकी बॉडी जल जाए। भाग 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 जल्दी से, अरे बाप रे जला कि नहीं, अरे बाप रे थैंक गॉड, कम से कम यार उनकी बॉडी तो मैंने जला दी। चलो यार दोस्तों छोड़ो, मैं जल्दी से देखता हूँ कछुआ राज का वो अंडा कहाँ पर है, मैं जल्दी से उस अंडे को ले करके चलता हूँ। चलो यार मैं जल्दी से ढूंढता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ। यहाँ तो दोस्तों देख करके मुझे कितना ज्यादा डर लगता है, एक तो ये इतना ज्यादा अंधेरा होता है और ऊपर से गाइस पता नहीं, अरे बाप रे यहाँ पर एक और रास्ता है, रुक जाओ दोस्तों पहले यहाँ देखता हूँ। गाइस यहाँ तो रास्ता ही नहीं खत्म होता, पता नहीं ये कितना बड़ा गुफा है। ओ माय गॉड यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ रास्ता खत्म हो गई है, मेरे पास ग्रेनेड है, मैं देखता हूँ चला करके इसको, अगर टूटेगी तो मुझे पता चलेगा यहाँ पर शायद दूसरा गेट नहीं है। अरे बाप रे देखो गाइस दूसरा गेट है क्या यहाँ पर, अरे नहीं दोस्तों यहीं पे ये लास्ट गेट है, इसके बाद ना वो टनल खत्म हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर तो वो अंडे नहीं है, रुको यार एक और रास्ता वहाँ से जा रहा है, मैं उधर जा करके देखता हूँ। अरे यार यहाँ से रास्ता, अरे बाप रे वो देखो दोस्तों, ओ माय गॉड, अरे बाप रे ये क्या है यार, यही वो अंडा है शायद मुझे लगता है दोस्तों, ये कितना ज्यादा रोशनी दे रहा है देख रहे हो, अरे बाप रे यार ये कछुए राज का अंडा है। वैसे यार मुझे देख करके इसको डर लग रहा है, चलो दोस्तों इसको जल्दी से मैं ले लेता हूँ और चलता हूँ, पता नहीं यार ये कहीं मुझे जल ना जाए, देख रहे हो कितना खतरनाक इसमें रोशनी आ रही है, अरे बाप रे कितना बड़ा ये अंडा है दोस्तों। चलो यार इसको जल्दी से मैं ले करके चलता हूँ, चलो यार इसको जल्दी से उठा लेता हूँ अपने आप में। अरे बाप रे ये क्या होने लगा मेरे साथ, अरे अरे ये क्या हो रहा है, मैं लग रहा है जैसे कि मेरे हवा में उड़ रहा हूँ, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अरे बाप रे ये क्या हो गया और अंडे कहाँ गए, अरे नहीं अरे बाप रे ये अंडे कहाँ चले गए और मेरे ऊपर ही क्या होने लगा। अरे यार दोस्तों ये तो मेरे अंदर ही पता नहीं क्या हो गया, ये देख रहे हो, अरे बाप रे, अरे नहीं नहीं वो अंडा गायब हो गया दोस्तों, और ये पता नहीं मेरे में ही वो अंडे की रोशनी आ गई। अरे यार अब तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मैं अब कछुए राज को कैसे बचाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, अरे यार जल्दी से मुझे यहाँ से भागने दो, पता नहीं यार मेरे अंदर क्या ही खलबली हो रही थी, और बाप रे यार ये क्या हो गया, अंडे दोस्तों वो गायब हो गए हैं और अंडे का लगता है मुझे पावर आ गए क्या, मुझे नहीं पता दोस्तों ये क्या हो रहा है। चलो यार जल्दी से चलते हैं और बोल दूंगा यार उन गुंडों को कि वो अंडा ना गायब हो गया है, इसीलिए कछुआ राज मुझे बोल भी रहे थे कि यार सिंचन अच्छे से जाना। पता नहीं यार ये क्या है, मुझे तो कितना ज्यादा डर लग रहा है, ये दोस्तों देख रहे हो, बाप रे बाप मेरे पूरे शरीर में ही कितना ज्यादा रोशनी रोशनी हो गया है, एक तो ये पूरा अंधेरा वाला टनल है, लेकिन गाइस ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। चलो यार जल्दी से चलते हैं, वो रहा सामने गेट, अरे यार मुझे तो गाइस ये देख करके डर भी लग रहा है, लेकिन यार चलते हैं चलो, पता नहीं यार अब क्या होगा, यार वो कछुए राज को गुंडा छोड़ेगा भी या भी नहीं, ये देखो दोस्तों, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे पास। चलो यार जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन यार मुझे कैसे भी करके ना कछुए राज को बचाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता मैं कछुए राज को कैसे बचाऊंगा। अरे यार रुको दोस्तों एक आइडिया है मेरे पास, अरे यार मैं कोई गन खरीद लूं क्या, अरे बाप रे अगर मैं कोई गन खरीद लूंगा ना तो शायद मैं उन गुंडों को मार सकता हूँ, लेकिन नहीं यार वहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं तो मैं उन लोगों को नहीं मार सकता। चलो यार मैं ना उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अंडे नहीं मिल पाए हैं प्लीज आप छोड़ दो, तो शायद कछुए राज को ना वो गुंडे लोग छोड़ देंगे, इसलिए चलो दोस्तों चलते हैं। अरे यार अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यार कछुए राज को छुड़ाना तो पता नहीं यार अब हम लोग कैसे छुड़ा पाएंगे, और मैं अगर कछुए राज को नहीं बचा पाया तो भाई यार मेरी जिंदगी का क्या ही मतलब है, क्योंकि यार वो मेरी मदद किए थे और मेरी भी जिंदगी उन्होंने ही बचाई है दोस्तों, तो यार इसीलिए मुझे ना कछुए राज को कैसे भी करके जीवन बचाना ही पड़ेगा। चलो यार अब मैं पहुंच चुका हूँ, जल्दी से चलता हूँ और मैं उन गुंडे से बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, बोलूंगा कि छोड़ दे और कछुए राज को छोड़ दे। चलो दोस्तों जल्दी से मैं पहुंचता हूँ उनके पास। कछुए राज लगता है कि वो बच्चा नहीं आएगा, अब तो तेरा टाइम खत्म हो रहा है, अब देख मैं तुझे कैसे खत्म करता हूँ, क्योंकि जो बच्चा था वो अंडे के लिए गया तो है लेकिन अभी तक आया नहीं है। कछुए राज अब तो तू गया समझ बेटे, मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद तुम्हारे गुफा में जाकर जितने भी तुम्हारे कछुआ भाई है उन सभी को मार दूंगा। अरे गुंडे कहीं के, मेरा वो सिंचन आता ही होगा समझ गया, वो अंडा लेकर के कैसे भी आएगा, लेकिन एक और बात है
वो इंसान है और तुम भी इंसान हो। इंसानों के हाथ में कछुए के अंडे नहीं आते हैं, देख लेना, हो सकता है वो भी कहीं खाली हाथ ना आ जाए। अरे हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कछुआ राज, अभी तुम्हें मैं मार दूंगा और फिर तुम्हारे कछुए के पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, फिर मैं तुम्हारा वो अमर अंडा लेकर ही रहूंगा। अरे इंसान कहीं के बात समझ ले मेरी, तुम इंसान हो इसलिए तुम वो अंडे को टच भी नहीं कर सकते, समझे क्या? अच्छा अब तो देखा जाएगा मैं क्या नहीं कर सकता उसको। अभी कुछ देर और वेट करता हूँ उस बच्चे की, अगर नहीं आया तो तुम सबको मार दूंगा एक एक करके, एक कछुआ को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। गाइस यार अब मैं फाइनली पहुँचने वाला हूँ यार, बस आप लोग दुआ करो कि कछुआ राज ठीक होंगे और उनको यार गुंडा अभी तक कुछ नहीं किया होगा, नहीं तो यार बहुत ही जुल्म हो जाएगी यार। मैं कछुआ राज का जिंदगी नहीं बचा पाऊंगा तो फिर क्या ही फायदा है, जो मेरी जिंदगी बचाए मैं उसकी जिंदगी नहीं बचाऊं तो। चलो यार जल्दी से चलता हूँ। और ये गाइस देख रहे हो, और ये फ्लेम मेरे अंदर का बढ़ता ही जा रहा है। अरे बाप रे, अभी तक तो कछुआ राज बिल्कुल ठीक है। कछुआ राज अब ठीक हो ना? अरे हाँ हाँ बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बाप रे क्या बताऊँ, वो मुझे अंडा मिल गया था लेकिन वो अंडा को मैं जैसे ही छूने गया वो तो गायब हो गया। अरे हाँ बच्चे, ये तो मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अरे हाँ आपको पता था? अरे हाँ बच्चे, ये मुझे पता था। अरे बाप रे, जब आपको पता था तो आप मुझे पहले क्यों नहीं बताए, मैं तो कितना ज्यादा डर गया था। बच्चे वो ऐसी वैसे अंडे नहीं थी, वो तो एक जादुई अंडा था और इसीलिए ये गुंडे वो अंडे लेना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि ये ऐसे गुंडे के हाथ में अंडे जाना से अच्छा है कि तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम वो अंडे को टच करो और वो शक्ति उसका तुम ले लो। अरे बाप रे ऐसी कुछ बात है क्या, इसीलिए मैं बोलूं कि ये मेरे अंदर वो अंडे की रोशनी क्यों आ गई? अरे हाँ बच्चे, अब वो अंडे का चमत्कार देखना क्या क्या होता है। अरे बाप रे क्या क्या चमत्कार होगा? बस बच्चे जब तुम्हें जरूरत होगी तो वो शक्ति तुम्हें खुद बचाने आ जाएगी। अरे बाप रे ऐसी बात है क्या? अरे हाँ बच्चे ऐसी ही बात है। अरे तुम लोग बहुत आपस में बात कर लिए, अब मैं कुछ नहीं जानता। अरे बच्चे तूने अंडे लाए कि नहीं लाए? अरे अरे गुंडे जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ कछुए राज को कि वो अंडा ना मैं जैसे ही उसको छुआ तो वो गायब हो गया। अरे बच्चे बहुत अच्छा बहाना बना रहे हो कछुआ राज, अब मैं एक एक कछुआ को खत्म कर दूंगा। अरे गुंडे अभी से भी समझ जा, तू उस अंडे को रख नहीं सकता है, वो अंडा बहुत शक्तिशाली है। अरे हाँ हाँ गुंडे, कछुआ राज बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तुम क्यों पंगा ले रहा है अद्भुत शक्ति से? अरे बच्चे तू कितना बोल रहा है, बातें कैसे कैसे करता है, अब तो कछुए राज को भी मारूंगा। कछुआ राज मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और इस पिंदी सी बच्चे को भी, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मुझसे जुबान लड़ाएगा, एक एक कछुआ राज को मैं मारूंगा और किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे तू कछुआ राज को मारेगा? अरे हाँ हाँ मैं मारूंगा और तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये ले बच्चे, अरे तू बच्चे इतना छोटा है मैं तुम्हें मार भी नहीं पा रहा हूँ। अरे बाप रे तू कैसे बच जा रहा है मेरे से? अरे रे तू कैसे मुझे मारा है, अभी रुक जाओ मैं कछुआ राज को भी मारूंगा और तुझे भी बच्चे कहेंगे, तू क्या समझता है मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा, ये ले। अरे बाप रे तूने कछुआ राज को मार दिया, कछुआ राज उठ जाओ। अरे बच्चे अब मैं उठ जाऊंगा बस, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी बच्चे तुम्हारे अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो रही है। अरे कछुआ राज आपको क्या हो गया? बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले, अब तू वो शक्ति ला, तुम्हारी बारी है वो। अरे बाप रे मैं तो इस टकले को छोड़ूंगा नहीं। बच्चे ऐसे नहीं, अभी देख आ जाएगी वो शक्ति, इम ग्रिम त्रिम बच्चे में आ जाए अंडे वाले शक्ति क्रिम। अरे बाप रे ये क्या होने लगा, अरे ये कैसी शक्ति आ गई? अरे बच्चे वो अंडे की शक्ति है, अब देख तू ही कैसे गुंडे को मार सकता है। अरे बाप रे क्या सच में, अभी रुक जाओ मैं इन सभी को मारता हूँ। अरे बाप रे तूने कछुआ राज को कैसे मारा? अरे बाप तूने तो कमाल कर दिया बच्चे। अरे हाँ हाँ मैंने तो कमाल कर दिया, ये देखो मैं तो मार दिया उसको कितने अच्छे तरीके से। अरे बाप रे मैंने तो सारे के सारे लोगों को ही मार दिया। अरे वाह बच्चे तुम तो सच में कितने ज्यादा अच्छे हो, सबको मार दिया, वाह बच्चे वाह। अरे बाप रे यार ये तो जितने सारे भी गुंडे थे मैंने उन सबको मार दिया, दोस्तों देख रहे हो? अरे बाप रे बहुत मजा आ गया, ये देखो मैं जितने भी गुंडे थे सबको मार दिया। अरे वाह बच्चे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे हाँ हाँ बहुत अच्छे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जल्दी से उठ जाओ। अरे हाँ हाँ बच्चे मैं उठ जाऊंगा, तू टेंशन मत ले, अब देख मैं कैसे उठता हूँ। बच्चे तूने तो कमाल कर दिया यार।
अरे बाप रे, वो शक्ति कहाँ चली गई? अरे बच्चे, अब वो शक्ति तुम्हें जब काम आएगी तभी तुम उसको यूज कर पाओगे। वैसे बच्चे, मैं तुम्हें एक और शक्ति देना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे वो शक्ति तुम्हें एक ही बार मिलेगी, मतलब कि अब तुम एक शक्ति को एक ही बार यूज कर पाओगे। अरे बाप रे, ये तो शक्ति कितनी अच्छी है, मुझे तो यही वाली चाहिए। अरे बच्चे, लेकिन ये शक्ति हम किसी इंसान को तो नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे इंसान कभी भी किसी से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए बच्चे, ये शक्ति मैं तुमसे ले लूंगा। और हाँ बच्चे, इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तुम जो चाहे वो तुम्हारे पास आ जाएगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ना एक बात है। अरे हाँ हाँ बोलो बच्चे। मैं ये शक्ति को यूज करके एक काम करके अभी आऊँ क्या? मुझे फ्रैंकलिन भैया को मजा चखाना है। अरे हाँ बच्चे, चलो जाओ, बस एक ही बार तुम अपने भाई को मजा चखा दो और फिर मैं वो शक्ति को वापस ले लूंगा। अरे हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अरे हाँ ठीक है बच्चे, जाओ तुम यहाँ से और उस फ्रैंकलिन को मजा चखा कर फिर यहीं पर आना, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। अरे हाँ हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। अरे वाह दोस्तों, आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक यार मैं फ्रैंकलिन भैया को मजा चखा कर आता हूँ। चलो यार दोस्तों, अब मैं यहाँ से चलता हूँ और मैं फ्रैंकलिन भैया को मजा चखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, मैं कैसे हवा में उड़ रहा हूँ। अरे बाप रे, बहुत ही अद्भुत शक्ति है। लेकिन यार, वो कछुआ राज बोल रहे हैं कि हम इंसानों को ये शक्ति ज्यादा देर के लिए नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, मैं इस फ्रैंकलिन भैया को मजा चखाने के लिए इतना देर के लिए ही काफी हूँ। अब देखो दोस्तों, मैं इनको कैसे मजा चखाता हूँ। अरे बाप रे, फ्रैंकलिन भैया आ गया मैं, अब देखो तुझे मैं कैसे मजा चखाता हूँ। तूने कैसे मुझे मारा था ना, अभी धक्के देकर निकाला था। अरे बाप रे सिंचन, सिंचन ये क्या कर रहा है भाई, तू छोड़ दे, ये कैसे तेरे पास अद्भुत शक्ति आ गई। अरे यार सिंचन, ये क्या कर दिया यार तूने, अरे तूने क्यों मारा यार हम लोगों को। अरे बाप रे, तू गुंडा है गुंडा, तूने मुझे बेचा था फ्रैंकलिन भैया और चोप, तू लोग भूल गया क्या? तुम लोगों ने मुझे गुंडे से बेचा था ना, अब देख तुम लोगों को कैसे मारता हूँ मैं। अरे बाप रे यार, ये क्यों मार रहा है यार, छोड़ दे मुझे हम लोगों को। अरे नहीं नहीं, इतना आसानी से नहीं, मैं सब तहस नहस करके छोड़ दूंगा। तुम लोग कैसे मुझे मार रहे थे और गुंडे से बेच दिया था तूने, अभी मैं देख कैसे मारता हूँ फ्रैंकलिन भैया। ये मेरी शक्ति ही इसलिए मिली है कि मैं तुझे तबाह और बर्बाद कर दूंगा। अरे यार सिंचन, क्या कर रहा है भाई, ये पूरा तूने मेरा ब्लास्ट कर दिया। अरे यार छोड़ दे भाई, थोड़ा तो छोड़ दे। अरे यार चुप, छोड़ देना भाई, क्या कर रहा है। अरे यार सिंचन भाई, छोड़ देना यार, क्या कर रहा है। अरे नहीं नहीं चुप के बच्चे, देख मैं कैसे करता हूँ। ये देखो दोस्तों, फाइनली मैं इस फ्रैंकलिन भैया को अब बर्बाद कर दिया। कैसे इन लोगों ने मुझे मारा था ना, अब देखो दोस्तों इन लोगों को मजा चखाऊंगा। अभी तुम लोग और भी बोलोगे क्या फ्रैंकलिन भैया? अरे यार छोड़ दो सिंचन, कितना ज्यादा मारे हो यार, मेरा पूरा गोल्ड बर्बाद हो गया। अरे बाप रे बाप, और भी मारूंगा तुझे, और भी मारूंगा, कैसे मुझे मार रहे थे ये लो। फ्रैंकलिन भैया अब जाकर के तू हॉस्पिटल में इलाज करा। अरे यार सिंचन भाई छोड़ देना यार, कितना मार रहा है तू। अरे बाप रे जा, छोड़ दिया तुम लोगों को, बहुत ज्यादा तुम लोग तेज बनते थे। अरे बाप रे दोस्तों, मजा ही ले लिया हमने फ्रैंकलिन भैया को और चोप को मारकर। उन्होंने ही दोस्तों मुझे कल पूरे वीडियो में ना डेढ़ करोड़ में मुझे किडनैपों से बेच दिया था दोस्तों, गुंडे से। चलो यार दोस्तों, फाइनली अब हमने उनको मार दिया ना। चलो चलो जल्दी जाता हूँ कछुआ राज के पास, और फिर गाइस वो ये शक्ति ले लेंगे और मुझे कुछ दूसरी शक्ति देंगे। चलो देखते हैं यार वो मुझे कौन शक्ति देने वाले हैं। चलो दोस्तों यार जल्दी जाता हूँ कछुए राज के पास, वो रहे कछुए राज में आ गया। अरे यार सिंचन आ गए, तुम्हारा काम हो गया क्या? अरे हाँ हाँ मेरा काम हो गया, अब मैं ये आप ही शक्ति लेना चाहते हो तो ले लो। अरे हाँ हाँ मैं अभी लेता हूँ। सिंचन बेटे, अब मैं जो ये तुम्हारे पास शक्ति है ना लोगों को तंग करने वाली, ये मैं ले लेता हूँ ठीक है, लेकिन बच्चे तुम्हें इसके बदले मैं एक ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तुम जो चाहो वो ले सकते हो। अरे बाप रे ऐसी बात है क्या? अरे हाँ बच्चे, तुम अपना घर खरीद सकते हो और तुम चाहे और भी चीजें ले सकते हो। अरे बाप रे दे दो वही शक्ति मुझे चाहिए। लेकिन बच्चे उसके लिए तुम्हें एक और काम करनी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ये जो तुम्हारा दोस्त वीडियो देख रहा है ना, अगर तुम्हारा दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा तो फिर तुम्हारा दोस्त का भी सपना पूरा होगा और तुम्हारा भी। अरे बाप रे ये छोटी सी काम है, मेरे दोस्त तो बहुत आसानी से वीडियो को लाइक कर देंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ दोस्तों आप लोग अपना विश भी कमेंट में लिख दो, आप लोग क्या चाहते हो। अरे हाँ आप लोग भी लिख दो दोस्तों, आपको भी अगर कुछ चाहिए तो कमेंट कर दो, आपका भी विश पूरा हो जाएगा। चलो सिंचन, मैं अब तुम्हें शक्ति देने वाला हूँ। चलो बच्चे मैं अब मेडिटेट करने लगा, ये देखो अब तुम्हारे पास शक्ति जाने वाली है। ओम ब्रह्म।
ब्रिम त्रिम, बच्चे को ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो जो चाहे कर ले प्रिम। अरे बाप रे, ये क्या होने लगा मुझे? अरे बाप रे कछुएरा जी, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। बच्चे रुक जाओ एक मिनट, अभी ठीक हो जाएगा। अरे बाप रे, लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अरे हाँ हाँ बच्चे, अब देखो, चलो अब तुम्हें वो शक्ति मिल चुकी है बच्चे। अरे बाप रे बाप, फाइनली। अरे अरे बाप रे, थैंक यू यार, थैंक यू, मैं ठीक हो गया। अरे हाँ बच्चे, वो ठीक हो गया। एक काम करो बच्चे, अब मैं जाता हूँ, तुम अब अपने यहाँ से घर जाओ। अरे बाप रे, फाइनली दोस्तों, मुझे लगता है वो शक्ति मिल गई। अरे कछुए राज, वो मुझे शक्ति मिल गई ना? अरे हाँ बच्चे, मिल गई बच्चे, मिल गई। अब देखो बच्चे, तुम चाहे तो ये शक्ति को यूज भी कर सकते हो, लेकिन बच्चे मुझे यहाँ से जाने के बाद। अरे हाँ हाँ ठीक है, आप जाओ, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगा। अरे हाँ बच्चे, जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ेगी मैं भी तुम्हें बुला लूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। चलो सिंचन बच्चे, मैं चला, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये चलो, मैं चला अपने घर पे फिर से। सिंचन बहुत प्यारा बच्चा है, उसने मुझे बचा लिया गुंडों से। अरे वाह यार दोस्तों, फाइनली यार, ये देख रहे हो मुझे कुछ शक्ति तो मिली है। चलो दोस्तों, फाइनली मैं यहाँ से चलता हूँ। अगर वो शक्ति मुझे मिल गई तो मजा आ जाएगा मुझे। अरे बाप रे दोस्तों, ये देखो। अरे यार, ये तो काफी अच्छी शक्ति मुझे मिल गई। ओ नो गाइस, ये तो कितनी अच्छी बात है। अरे यार, जैसे ही मैं इस कार में बैठा दोस्तों, देखो ये कार तो एकदम सी गोल्ड डायमंड की बन गई यार, ये तो कितनी अच्छी है। अरे बाप रे, चलो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ। अब मैंने दोस्तों देखना, अब मैं जो वो फ्रैंकलिन भैया का जो पुराना घर था ना, जहाँ पर हम लोग रहते थे, वो वाला घर में फाइनली अब खरीद लूंगा पुलिस स्टेशन वाले से। और गाइस मैं वहीं पे रहूंगा, जितने में फ्रैंकलिन भैया से बेचा है उसका मैं डबल पैसा दे करके, और मैं वहीं पे रहूंगा, है ना दोस्तों। चोप और फ्रैंकलिन भैया तो चलो पैसे वाले हैं, तो उनका तो बात ही छोड़ दो। वैसे गाइस हमने उनसे भी बदला ले ही लिया है। चलो यार जल्दी चलते हैं घर। लेकिन दोस्तों उससे पहले ना, मैं सोच रहा हूँ एक अच्छी सी कार लेकर के जाऊँ, ताकि गाइस वो कार देख करके ना वो पुलिस वाला का मन डोल जाए, और फिर गाइस वो मुझसे डर करके मुझे अपना घर बेच दे, जिसमें गाइस वो हम लोग रहते थे वो वाला घर। चलो यार। हाँ दोस्तों, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लेना दोस्तों, हमने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहला पार्ट देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। वैसे यार चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं हम लोग पुराने वाले घर पे। इससे पहले हम लोग जाएंगे सिमियन अंकल के शोरूम में, और गाइस वहाँ से ना एक अच्छी सी सुपर कार खरीद लेंगे। चलो दोस्तों चलते हैं। गाइस यार, अब मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ शहर की तरफ, और यहाँ मैं आ चुका हूँ सिमियन अंकल के शोरूम की तरफ। चलो यार दोस्तों, वैसे तो यार मेरे पास पैसे है नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ की अपनी जो डायमंड की कार है ना, इसको दे करके मैं उनसे एक अच्छी सी सुपर कार खरीद लूँ। चलो दोस्तों चलता हूँ। अरे बाप रे, वो देखो सिमियन अंकल। अरे यार सिमियन अंकल, क्या कर रहे हो? अरे अरे सिंचन, तुम हो क्या? अरे हाँ हाँ मैं ही हूँ। अरे वाह सिंचन, तूने तो ये बहुत ही अच्छी कार ली है, कहाँ से ली है? अरे यार सिमियन अंकल, चाहिए क्या आपको? अरे हाँ यार, मेरा भी सपना है कि मैं डायमंड की कार पे चढ़ूं। अरे बाप रे, तू ले लो ना मेरी वाली। अरे यार, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है ना उतने। अरे यार कोई बात नहीं है, मैं तो इसीलिए आया हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आपसे ना मैं एक कार ले लूँ, और आपको ये डायमंड वाली कार अपनी दे दूँ आपको। अरे वाह, क्या सच में? अरे हाँ हाँ सच में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यार मुझे चढ़ने का बहुत मन करता है। अरे हाँ तो आप ले लो, और मुझे ना आप अपनी कोई भी सुपर कार दे दो। अरे वाह यार सिंचन, तुम कितने अच्छे हो, ये तो करोड़ों की कार है यार, फुल्ली डायमंड की है, और ये तुम मुझे दे रहे हो। अरे हाँ हाँ ले लो, आप इसका डायमंड बेच करके अमीर बन जाना। अरे वाह, तू तो काफी अच्छा है यार सिंचन। वैसे यार सिंचन देख, मेरे पास ना इतने सारे सुपर कार है, तो तुम्हें कौन सी चाहिए भाई? जो भी चाहिए वो तुम ले सकते हो। अरे बाप रे, थैंक यू। अरे यार तुम थैंक यू मत बोलो, तूने मुझे अपनी डायमंड की कार दे दी, थैंक यू तो मुझे बोलनी चाहिए। अरे हाँ हाँ अभी बोल दो थैंक यू मुझे। अरे थैंक यू सिंचन, तूने मुझे डायमंड की कार दी। अरे थैंक यू। चलो यार दोस्तों, मैं ना इसमें से फाइनली एक कार ले लेता हूँ, मैं कौन सा लूँ? अरे बाप रे, यहाँ तो सारे के सारे सुपर के सुपर बड़ी मस्त कार है यार। वैसे दोस्तों मुझे तो सारी पसंद आ रही है, लेकिन छोड़ो मैं फिलहाल ये एक ले लेता हूँ। अरे सिमियन भैया, मैं ये ले लेता हूँ। अरे हाँ सिंचन ठीक है। अरे बाप रे दोस्तों, ये देखो फाइनली ये भी डायमंड की हो गई। अरे अरे ये क्या हो गया, ये तो ये भी कार डायमंड की कैसे हो गई? अरे बाप रे सिमियन अंकल, ये थोड़ी बात दूर की है, आप नहीं समझोगे। फाइनली दोस्तों यहाँ पर देखो कितनी अच्छी है डायमंड की कार हो गई। अरे बाप रे, जरूर कोई लोचा है। अरे अरे कोई लोचा नहीं है, चलो बाय बाय। अरे यार तूने तो मुझे चूना ही लगा दिया। अरे यार कोई चूना नहीं लगा। चलो दोस्तों देख रहे हो सिमियन अंकल को कैसी बातें कर रहे हैं। चलो यार दोस्तों अब जल्दी से घर की तरफ चलते हैं, और यार मैं उन पुलिस वाले अंकल से डील करता हूँ कि यार वो ना मुझे वो घर दे दे, और उसके बदला चाहे तो मुझसे दूसरा कुछ ले ले। वैसे यार मैं चाहूँ तो पैसे भी मंगा सकता हूँ। चलो यार दोस्तों, ये कितनी कमाल की सुपर कार है यार, वाव देखने में तो मजा ही आ जा रहा है।
है। वैसे दोस्तों आप लोग बुरा मत मानना कि मैंने फ्रैंकलिन भैया और चोप को मारा है, क्योंकि गाइस उन्होंने मुझे पिछली वीडियो में बहुत मारा था ना, और मुझे वो किडनैपर से बेच भी दिए थे पूरे के पूरे 1.5 करोड़ में, और इसीलिए मैंने आज उनसे बदला ले लिया है। चलो यार दोस्तों अब जल्दी से चलते हैं। अरे बाप रे बाप, कितना जोर से धक्का मारा है। चलो यार जल्दी से चलते हैं घर की तरफ दोस्तों। चलो दोस्तों यार अब मैं फाइनली पहुंच गया। अब यार दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि उन पुलिस वालों से ना डील कर लिया जाए, और फिर जो हमारा घर है ना मैं उसको सोच रहा हूं खरीद लूं, क्योंकि यार मैं देखो अभी बड़ा घर तो खरीद सकता हूं, लेकिन मैं दूसरे वीडियो में बड़ा घर खरीदूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं जो अपना घर है ना वही खरीद लेता हूं उन पुलिस वालों से। और यार चलो दोस्तों फाइनली मैं तो पहुंच गया यार। अरे बाप रे, यहाँ पर तो वो सारे के सारे पुलिस वाले हैं यार। अरे अरे बच्चे, क्या करने फिर तुम आ गए? अरे अरे मैं आया हूँ अब अपना घर खरीदने। अरे बच्चे, ये घर बिकाऊ नहीं है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बिकाऊ है? अरे तुमसे मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ तुमसे सीनियर से बातें करूंगा। चलो यार दोस्तों चलता हूँ। अरे सर, पुलिस सर, पुलिस सर। अरे हाँ हाँ, बोलो क्या है? अरे यार मैं हूँ। अरे बच्चे, सिंचन तुम हो? अरे हाँ हाँ मैं हूँ। बोलो बच्चे, क्या बात है, तुम्हें वो फ्रैंकलिन धक्का मार के भगा दिया क्या? अरे हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो पुलिस अंकल, लेकिन पुलिस अंकल छोड़ो ये सब बातें, आप ये घर मुझसे बेच दो। अरे बच्चे, ये तो नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? अरे बच्चे, ये घर हमने खरीदे है पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए में। अरे बाप रे, तो क्या बात हुई, मैं आपको 10 करोड़ का पैसा दे दूंगा फिर 10 करोड़ का कोई सामान दे दूंगा, चलेगा क्या? अरे बच्चे, ऐसी बात है क्या? अरे हाँ हाँ, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे देता हूँ, या फिर 10 करोड़ की मेरे पास एक डायमंड की सुपर कार है वो ले लो। अरे बच्चे, ये तो काफी अच्छी बात है, एक काम करो तुम 10 करोड़ रुपए ही दे दो मुझे, और मैं हम लोग इसको घर को छोड़कर चले जाते हैं। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप ये घर को छोड़कर चले जाओ, मैं आपको पैसा देता हूँ, चलो बाहर चलो, मैं आपको देता हूँ पैसा, आ जाओ। अरे हाँ बच्चे, लेकिन बच्चे सुनो, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से, कहीं तूने कहीं चोरी और डकैती तो नहीं कर दी? अरे बाप रे, मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, चलो आप देता हूँ। अरे बच्चे, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं तो फिर दोगे कैसे? अरे सर जल्दी से आप ऊपर तो आओ, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मैं दूंगा। अरे यार ये लोग तो समझते ही नहीं है मैं कहाँ से इनको पैसे दूंगा। अरे बच्चे, लेकिन फिर भी बताओ तो कहाँ से तुम पैसे दोगे? अरे यार आ जाओ तो पुलिस सर, मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ ना, अरे बाप रे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 बॉक्स यानी के पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए जल्दी से आ जाए। अरे बाप रे, ये देखो फाइनली पूरे के पूरे यहाँ पर 10 करोड़ रुपए आ गए। अरे बच्चे ये क्या, अरे तूने बोला और यहाँ पर पैसे आ गए? अरे हाँ हाँ वही तो बात है, अब देखो मेरे पास एक डायमंड की कार भी है। अरे बाप रे, ये क्या बात हुई यार बच्चे। अरे हाँ हाँ यही तो बात है, चलो अब आप लोग यहाँ से घर मेरी खाली कर दो। अरे ठीक है बच्चे, मुझे क्या यार, मैं ये पैसे लेकर के चला जाता हूँ। अरे हाँ हाँ चलो चलो जल्दी से आप लोग जाओ यहाँ से। अरे चलो दोस्तों कोई बात नहीं, हम लोग फिर से अपने पुराने जगह पे ही चलती हैं यार, हम लोगों को 8 दिन में ही 5 करोड़ का फायदा हो गया। चलो दोस्तों आ जाओ। अरे सुनो, तुम लोग पैसे लेकर के आ जाना ठीक है? अरे हाँ सर ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। चलो यार दोस्तों तब तक तुम लोग इस गाड़ी में आकर के बैठो मेरे साथ, और हम लोग चलते हैं, और तुम लोग भी जल्दी से आ जाना। अरे हाँ हाँ सर, हम लोग आ जाएंगे। अरे चलो भाई जल्दी से चलते हैं, चलो सिंचन चलते हैं। अरे हाँ सर, थैंक यू सर, आपने हमसे घर बेच दिया सर, आपका शुक्रिया। अरे हाँ शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए यार, फ्री में 5 करोड़ रुपए का फायदा भी हो गए। अरे यार तुम क्यों गिर रहे हो भाई? अरे सर जाओ मैं आता हूँ। चलो ठीक है यार, फ्री में 5 करोड़ बच गए, अब क्या चाहिए। चलो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने पुराने स्टेशन पे। अरे बाप रे यार, फाइनली दोस्तों सारे के सारे पुलिस वाले अंकल तो चले गए, और यार यहाँ की वो पैसे भी ले गए, लेकिन दोस्तों अभी तक वो ये सब कार नहीं ले गए हैं। चलो यार वो ले गए तो ठीक है, नहीं तो यार मैं तो इसको बाद में डायमंड का बना लूंगा। और फिर दोस्तों फाइनली यहाँ पर देखो यार, मैं अपना घर भी ले लिया, और कितनी अच्छी मेरे पास सुपर कार है, आज तो यार मजा आ गया। लेकिन गाइस यहाँ पर ना फ्रैंकलिन भैया और चोप नहीं है, तो यार मुझे तो अकेले यहाँ पर मन भी नहीं लगेगा, लेकिन क्या करो यार, फ्रैंकलिन और चोप तो बहुत अमीर बन गए हैं, तो उनका तो बात ही छोड़ दो। अगर गाइस वो लोग हमारे घर में आएंगे ना, तो मैं तो उन लोगों को रख लूंगा। आप लोग दोस्तों फ्रैंकलिन भैया चोप को कमेंट करके बोल दो कि सिंचन आपको अपने घर में रख लेगा, अगर वो लोग आना चाहते हैं तो आ जाए, क्योंकि यार हम लोग एक साथ ही अच्छे लगते हैं। तो आप लोग दोस्तों बता दो उन लोगों को कि सिंचन का अकेले मन नहीं लग रहा है, यहाँ पर वो लोग आएंगे तो हम लोग साथ में फिर से रहेंगे पहले जैसे। तब तक के लिए दोस्तों लव यू, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ दोस्तों अपना विश लिखना मत भूलना, ताकि आपका विश पूरा हो जाए। चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।